भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम बल्लेबाज और दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने कंधे की इंजरी पर बड़ा अपडेट दिया है। बता दें, इस साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान उन्हें कंधे पर चोट लग गई थी। इसकी वजह से उन्हें पिछले महीने सर्जरी करवाई थी। इसी वजह से वो इस सीजन का IPL भी नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब लग रहा है कि जल्द ही अय्यर फिट होकर टीम में लौट आएंगे। शनिवार को अय्यर ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो एक चढ़ाई पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। श्रेयस अय्यर ने जो वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, उस वीडियो में वो एक पहाड़ी पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। वो नीचे से ऊपर की ओर दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन एक बात जो वीडियो में गौर करने वाली थी कि वो अपने बाएं हाथ से ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनके इसी हाथ में चोट लगी थी। अय्यर का कंधा डिसलोकेट हो गया था। बता दें, 26 साल का एक खिलाड़ी पुणे में 23 मार्च को खेले गए पहले एक दिवसीय मैच के दौरान जॉनी बेयरस्टो के एक शॉट को ड्राइव लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। टोटल होने के बाद वो काफी दर्द में दिखे थे और उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर भी जाना पड़ा था, जिसके बाद उनकी सर्जरी की गई थी और अब वो धीरे धीरे फिट होने की कगार पर है और उम्मीद की जा रही है कि जुलाई में होने वाले श्रीलंका दौरे में उनके नाम की चर्चा की जाएगी।